हेलो जी, सत श्री अकाल ते वेलकम। की हाल तुहाडे सारे दा? होप ठीक ठाक होंगे जी, सारे खैरियत नाल होंगे। बहुत सारी मौकतां दा इन्ने सारे प्यार दा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत करते हैं जी तुहानू अपने चैनल ते जिहदा नाम है प्रीत पानी रिएक्ट्स। गाइज, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी बिकॉज़ इन्होंने सब कुछ ही कहता, बट वंस अगेन दिलो थैंक यू, तुसी बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिन्होंने हजे तक आके चैनल ते वीडियो देखी है, कमेंट किया, लाइक किया, पर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाके जरूर जो है सब्सक्राइब करो। बाकी गाइज, अज लैके हाजिर हो फिर दोबारा तो हस बेहाल दी वीडियो ते वीडियो दा टाइटल हैगा अजीजी एस फैशन डिजाइनर ZVS। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਸ ਬਿਹਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ZVS ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਸ ਪਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ZVS। मैंने सोसाइटी को बड़ा डीपली स्टडी किया है, कुछ नहीं है यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का फ्यूचर। क्यों? सचमुच जिस सोसाइटी को यही अंदाजा नहीं है कि नकल और असल क्या होता है, उसने फैशन डिजाइनिंग में क्या ग्रो करना है, बताओ मुझे जरा। सही, अब ये बात कर रहे हो, 14 प्लॉट बना लिए तुमने लाहौर। तो 14 प्लॉट में कब्जा ग्रुप बना के नहीं बनाए, इसी इंडस्ट्री से बनाए हैं ना, तो मेहनत की है ना, तो रिकग्निशन मिली है तो की है ना। नहीं, मगर आप देखो ना क्या काम शुरू हो गया, दो दो तीन तीन महीने लगा के एक एक टांका लगा के तो नया डिजाइन मैं बनाता हूँ। एक तखलीक होती है यार, क्रिएशन कोई छोटा काम नहीं है। एंज करके नकल कर दे, अगला 1400 दा वही मेरा 8000 सूट काट के मार्केट से वो मार दे। और लोगों को भी पता नहीं चलता, मैं हैरान होता हूँ, इतना नहीं पता चलता कि ये बेवकूफ अगर 8000 का बेच रहा है तो कोई वजह ये और कोई सूट नाल केले ते नहीं लगे। तुम्हारा लबो ले जाए इतना नरमो नाजुक है, दूसरी तरफ तुम्हारा जुस्सा जो है वो कबड्डी स्टार बेनियामिन जैसा। क्या डिजाइनिंग पे बात करनी है या मिनी जुगता करनी है? दोनों साथ साथ चलेंगे ना। साथ साथ ना ना चलाओ, नकल ते असल साथ साथ चलान गए हो तो बेड़ा गर्क हो गया ना असल दा। फिर मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों को क्या हो जाता है, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये नकल है, बुरा लगता है, नहीं पहनना चाहिए, असल असल होता है। ZVS, ये जो एक सूट एक ही फंक्शन में पहनने का रिवाज जो पड़ गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। लोग कहते भी जो 1400 को पहन लो एकदम, ये तो पहनना जरूर 8000 का लेना है। एक एक टंका जो है ना वो खूने जिगर से लगाना पड़ता है, जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या काम हुआ हुआ है। ओ पावे 1400 दा पा लवे ते पावे 14 रुपये दा पा ले। एक एक टांका खूने जिगर से, यार तू सूट सीना या दाग दहल भी दी गजल लिखना है? खलो जावे तू चकचूंदर दा हबी। फिल्म जी कहते एक एक चुन के मारांगा, ये ZVS सर तुसी भी कठे टांके ला लिया करो, एक एक करके क्यों ला देते? मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये शिकवा बहुत हद तक बजा है कि तुम लोग मेहनत करते हो, लोग तुम्हारे डिजाइन कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक फैक्ट है ना कि तुम लोग आपस में भी एक दूसरे के डिजाइन चोरी करते हो। ये बात है, जुनैद साहब कोई भी चोरी करे या कुछ सस्ता सूट बनाने वाला, बेशक एक स्टैंडर्ड के जो डिजाइनर है वो एक दूसरे का डिजाइन चोरी करे, मैं कहता हूँ इसमें कोई कानून बनना चाहिए, कोई ऐसी ला में कि खुदा दा वास्ते तेरा हाथ पैंदा करवा दे। जैसे आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे जुमला हकूक महफूज हो, ताड़ी डब्बियां ली धोती ते त्रीजां ले कुर्ते दा जुमला हकूक महफूज ये तुसी ना विच बोलो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम भी इस इल्जाम की जात से तो नहीं बच पाए ना, जो तुम्हारा लास्ट ईयर जो सुपर डुपर हिट डिजाइन था वो पेरिस के एक डिजाइनर का चोरी किया था तुमने। आपको किसने कह दिया मैंने चोरी? अखबारात में छपा था। अब अखबारात वाले जो है ना वो, अब मैं क्या कहूँ, बैठे हुए मैं उठे हुए हैं जिसे तुझे पढ़ के मैंने कुटन लग गया। जरा को किसी की बात ना सुने तो खिलाफ खबर लगा देते। ZVS नए सूट बेचते, तुसी शीशे वालियां पखियां बेचनियां शुरू कर दो, वो भी डिजाइनिंग च ही आंदे। गुड आईडिया, वेरी गुड आईडिया। ए जड़ी एनक वाली पेंडक से ना जरूर कोई ना कोई शोखी गल कर दी, तुम्हें आइडिया दे रहा है। अपनी तरफ से तुमने बड़ी बेइज्जती वाली बात की है, ये भी एक
डिजाइनिंग होती है, जाके पूछो जो करते हैं ये डिजाइन। और तेनू तो शीशे वाली पक्खी ता पसंद है कि तेरा पक्खी वाले शीशे च भी मुंह पूरा आ जाए। ईमान से जूनी मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की चोर बाजारी से। मैं तो सोच रहा हूँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर, फिर मैं कहना थे एडे वे मुछा ले होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में ज्यादा फ्रॉड है, ऐसे किसी को कब्जे वाला प्लाट ले दिया तो 2 साल के लिए अंदर हो जाओगे। ऐसे मदरे दे मुंह कदी चंगी गल नहीं निकली। कोर्ट ने विशेष खन्ना वाला पाया हुंदा है, गुफ्तगुए दी चाचे खन्ने वाली हुंदी। और जूनी तुम्हें क्या बताऊं, ये जो डिजाइन चोरी करने वाले इतने तेज हैं, इतने तेज हैं। अभी मैंने पिछले महीने फड्डा डाल लिया एक डिजाइनर से। अच्छा। मैंने कहा ये मेरा डिजाइन है, ये तुम्हें तुम जरूरत कैसी हुई तुम्हारी कि तुमने उसी तरह डिजाइन कर लिया है। बड़ा प्यारा मैंने डिजाइन बनाया था, मैंने मोतियों की ना ऐसे माला सी बनाई ऊपर राइट टू लेफ्ट। तो मैं उससे बहस करूं तो आपको कहते तुम्हारी राइट टू लेफ्ट है, मेरी लेफ्ट टू राइट है। इनोवेशन था मेरे ही डिजाइन, सज्जियों खबे वाला चुक के खबे संजय का शिगिर्द कहता भाजी खब चूजे। मुझे तुम्हारी डिजाइनिंग में मुझे ट्रेडिशनल टच होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, मगर ट्रेडिशन ही हमें ले बैठी। अजीब रिवाज निकल आया जो इनी, पहले ये होता था कि साल में 2 दुल्हन भी ले जाती थी ना आगे लिबास दुल्हन वाला तो ठीक हो जाता था। अब अजीब सी ट्रेडिशन बनती जा रही है कि जी मैंने अपनी माँ की शादी का पहना हुआ सूट ही पहना, टिडियां टोक गई हैं। नहीं जी ये फखर से बताना है, ये मेरी माँ का लहंगा था, मैंने भी पहना है। मैं क्या बतू अपनी कुड़ी ने भी पुआ ले भी। खुद ही तो तुम कहते हो कि हमारी सकाफत नजर आनी चाहिए, तो ये भी हमारी सकाफत है। ओ ये केड़ी सकाफत है जिदे डिजाइनर नु टकाना बचे। हम हर सीजन में वेडिंग ड्रेस बना बना के अपनी आउटलेट भरी होती है हमने। खरीदने के लिए बात था कोई नहीं जी, अम्मा का लहंगा पा लिया। मैंने तो एक शादी पे दुल्हन को सबके बीच में कह दिया, मैं क्या अम्मा का लिबास पा ली ने तो नानी की सोटी भी पा ले। अच्छा जीविया साहब टेंशन ना लें, आप मेरे कुछ कुर्ते जो ना डिजाइन कर दें, मैं नई सीरियल कर रहा हूँ। सीरियल तो नहीं, एनिमल चैनल से चल रही है। नवी सीरियल कर रहे ने दरबार दा पागल मलांगा। तेरे को उतरिया मैनू की लभना है, आप तो सिरे सिरे अपने थड़े ते बैंक ते कच्चे गोंगलू खान डेया उन्ने। क्या बात हुई यार, आप अपनी अखां नाल देखे आए। मैं कह भी ये की करन डेया, कहंदे फाइबर ले जाओ। मैं कह इहो जिहा फाइबर ते गावां दीआं खुरलियां च पिया हुंदा। कुर्ते डिजाइन कर दे, साथ साथ 8-8 हज़ार का मैं कुर्ता बनाता हूँ। 8 हज़ार का कुर्ता, तेरे कुर्ते नू हैंडल लगा हुंदा है। देखा जूनी, इन मैं कहना कुछ नहीं, मैं कोठे ते चढ़ के ना ते उत्ते छाल कट मार ली। कूल कूल, टेंशन को लेते हो, मैंने सुना तुम ले ले भी मून लेते। मून ले 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 भी मून लेते हो। खतरनाक और अफसोसनाक बात यह है कि इस दफा हमारे मुल्क के अंदर एक दिन में 5 केस पोलियो के सामने आए और एक महीने में 17 केस। मेरे तो सेगमेंट खत्म ना हो गया है। अच्छा जी, कल एक वाकया देखा अपनी आंखों के सामने, इसलिए उसको लाजमन जिक्र कर दूं। जी जी। ये जो 1122 है, ये चौधरी परवेज लाही हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता है, क्योंकि ये बड़ी कामयाब सर्विस है जी। और बड़ा अच्छा ये पहुंचते हैं। हाँ जी। मगर पता नहीं क्यों, किस लिए, किसने ये इंतहाई बेवकूफों वाला वहां पे तरीकाकार बना दिया है। ये जो मोटर बाइक निकली है एम्बुलेंस मोटर बाइक, पहले कहा यह गया था कि ये अंदरून शहर में जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती ये उसके लिए बनाया गया है। अब कहीं भी खुले इलाके में भी कहीं से कोई फोन इनको करता है ना जी जी। तो ये पहले मोटरसाइकिलें पहुंचती हैं दो जी। लाजमन हर जगह पे 2 ही पहुंचती हैं, एक भी पहुंचती है तो चलो पहले मोटरसाइकिल पहुंचती है, फिर उधर जाके तो पता चलता है जी ये मरीज जो है इसको लेके जाना पड़ेगा, तो मोटरसाइकिल पे ये नहीं जाने वाला,
फिर वो उधर बैठ के नुक्कर में वो मोटरसाइकिल वाला मोटर बाइक वाला फोन करता है, फिर पीछे से कोई 5-7 मिनट लगा के एम्बुलेंस आती है। अगर तो आपने बचत की नीयत से ये काम किया तो फिर भी आपने इंतहाई जाहिलों वाला काम किया। हर जगह पे पहले मोटरसाइकिलें जाती हैं, फिर एम्बुलेंस जाती है। मोटरसाइकिल तो कहीं कहीं पे काम आती है, अगर एम्बुलेंस ही दोबारा आनी है तो फिर बचत आपकी किस चीज की हुई, बल्कि आपका तो पेट्रोल ज्यादा लग गया। टाइम भी इसमें पेट्रोल स्ट्रोल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इंसान देखना चाहिए। एयर एम्बुलेंस भी तो लोगों ने रखी हुई है ना कई मुल्कों ने, तो वो फौरी तौर पे वहां पे, यहाँ पे तो अमीर या तगड़ा बंदा या हाकम जो है उसके अलावा मरीज जहाज में बैठ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो अगर चलो आपने ये एक अच्छा इकदाम किया था, ये अच्छी एक एम्बुलेंस सर्विस बनाई थी, तो उसका बेड़ा गर्क ना करें फजूल किस्म का। वो मैंने क्या देखा कि वो बंदा बेचारा सीढ़ी से गिरा हुआ था और उसके कमर पे बड़ी शदीद चोट आई हुई थी, शायद उसका को मोरा शोरा बेचारे का अल्लाह ना करे हिला हुआ था, उसको हाथ भी लगाते थे तो वो जांगड़े मारता था। वीडियो की गल करते हैं, वीडियो जस्ट स्टार्टिंग की गल करते हैं। एक्चुअली लास्ट के सैकेंड सैगमेंट ऐड हो गया सीगा, जेड़ा कि एक वक्रे टॉपिक के उत्ते सीगा कि आई थिंक असीं इहनूं नाम ही लैंदे ते चल जाणा सीगा, बट वीडियो बहुत छोटी होई नहीं सी, बट चलो एनीवे जिद्दां दी गल करते हैं कॉमेडी की गल करते हैं। आई थिंक जेड़ा सीगा टॉपिक सीगा कुड़ियां नूं गल करनी चाहिए इहदे बारे, तुसीं बोलो जी। पहला शुरुआत कर दिया कैरेक्टर तो सोहेल अहमद साहब, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि नॉर्मल कुड़ियां जड़ियां मॉडलिंग कर दिया ने या नॉर्मल जड़े फैशन डिजाइनर्स होंदे ने ओना तो कई ज्यादा एक स्टेप वध हो के जो एक्शन करने जिद्दा पोज ते बैठना ऐदा और बोलना, एंड आई थिंक जदो ओ जूनी कहंदे ना जूनी इन्हें प्यार नाल इन्हें मतलब स्टाइल नाल कहंदे ने कि मतलब मजा आ जा, उससे विच ही हासा निकल जांदा है। ते उस तो बाद रही गल वीडियो दी, उन्होंने मतलब बहुत सोहना कंपैरिजन दसिया कि किवें वड्डे डिजाइनर्स ते जिहड़े रेगुलर डिजाइनर्स ने या फर्स्ट कॉपी जिन्हों असी कहने आ कि वड्डे डिजाइनर्स दा अजकल कम ठप होया पिया, वो इसे करके होया क्योंकि लोग फर्स्ट कॉपी लैना प्रेफर करते हैं। जिहड़े नॉर्मल एवरेज लोग हुंदे ने जिहड़े वड्डे सुपरस्टार कलाकार सेलिब्रिटीज नहीं हुंदे जिहड़े इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਯੂ نو ਅਪ ਸ਼ੋਅ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗਾਇਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫਸਟ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਠੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100-200 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਫਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਡੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਲੂੰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਲਹਿੰਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਟਿੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਟ ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੋਲੇ, ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਮਾਨਾ ਚੰਦ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ
अवेलेबल होवे ऑल द वे ना होवे बैकअप होना चाहिए ऑल द वे ना होवे ते वो मतलब ओथे ही होनी चाहिए दो मोटरसाइकिलों के साथ एक एक करके भी हो सकता बट काम बहुत कमाल दा ए मतलब ए जेड़ा हैगा पाकिस्तान दी इस चीज दी सिफत है कि हां भी सब तो बड़ी इन्होंने एंबुलेंस सर्विस बनाई हुई है बट जे बनाई है तो उन्होंने मेंटेन करना बहुत जरूरी है ते ओदे लिए सरकार नु काम करना चाहिए है क्योंकि ए सब तो इंपोर्टेंट काम है जी एम्बुलेंस जो मतलब होंगे बेस जो हॉस्पिटल होंगे एम्बुलेंस होंगी बेसिक नेसेसिटी होंगी बंदे की मैं लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर रब का रूप होंगे मैं लगता है एम्बुलेंस रब का रूप होंगी क्योंकि जो एम्बुलेंस टाइम से ना पहुंचे उम्मीद करते जिदी फर्स्ट हाफ वीडियो फैशन डिजाइनिंग वाले टॉपिक पूरी वीडियो ही उम्मीद करते इंजॉय करोगे जे तुम पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन च जरूर दस्यो नेक्स्ट वीडियो केड़ी बनाई है वह भी दस्यो ते बाकी सानू एदा ही सब्सक्राइब करते रहो प्यार देंदे रहो छेती छेती असी अपना टारगेट करन लगे हां पूरा ते गाइस मिलने तुहानू अगली वीडियो विच अपना ध्यान रखो खुश रहो सेहतमंद रहो तद तक लई सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़।